हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हेल्पिंग हैंड्स। और मैं आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज हम सीखेंगे कि हाउ टू शेड्यूल यूट्यूब लाइव स्ट्रीम। ओके, तो कंप्लीट सेटअप में आज आपको सिखाने वाला हूँ। और ये इजिएस्ट मेथड है। और ये आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी ही जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन भी दबा लेना, क्योंकि ऐसे नहीं ये सारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचते जाए। तो वहां पे आपको youtube.com खोल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये वीडियो वाला प्लस का आइकॉन दिखाई देगा, वहां पे जाके आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। एक बार वहां पे क्लिक कर लो तो आप ये जो विंडो आपके सामने दिख रही है वैसे विंडो पे आप पहुंच जाओगे। और अगर आपको अभी ही लाइव स्ट्रीम करनी है तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने का, और अगर आपको शेड्यूल करना है आपके लाइव स्ट्रीम को तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको ये एक्सेस के लिए पूछेगा कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू लेते हो तो वो लेंगे, या तो फिर इनबिल्ट जो आपका लैपटॉप पे हो तो आपको आपका वेबकैम होगा, और लैपटॉप है हो तो भी आपका वेबकैम होगा। तो यहाँ से आपको आपकी चॉइस के बेस्ड ऑन आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्विकली गो कर देना है। यहाँ पर आपको क्रिएट ऐसी कुछ विंडो मिल जाएगी। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे जो हम यूट्यूब के ऊपर जो जैसे वीडियो अपलोड करते हैं तो जो टाइटल रखते हैं वही टाइटल हमको यहाँ पे रखना है। तो मेरा नाम यहाँ पे रख देता हूँ अभी कि हाउ टू शेड्यूल यूट्यूब लाइव स्ट्रीम लिंक सेटअप एंड क्रिएट एंड सेटअप। और मैं मेरा यहाँ पे चैनल का नाम भी लिख देता हूँ, डिजिटल हेल्पिंग हैंड्स। और उसके बाद में आपको ये जो वीडियो है उसको पब्लिक रखना है, अनलिस्टेड रखना है, प्राइवेट रखना है, ये आपके बेस्ड ऑन रख सकते हो। अभी मैं अनलिस्टेड रखता हूँ। और यहाँ पे शेड्यूल फॉर लेटर आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ से ऑप्शन को टर्न ऑन कर देना है। जैसे ही टर्न ऑन करोगे आपको यहाँ पे आपकी जो डिजायर डेट है उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको टाइम भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अभी मैं ये वाला टाइम सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो ऑप्शन नीचे आता है उसमें आपको सिंपली नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पे रख देना है। और आप ये वीडियो किड्स के लिए बना रहे हो तो यस इट इज मेड फॉर किड्स आपको सिलेक्ट करना है। एज रिस्ट्रिक्शन में जो है उसको ही आपके वीडियो के बेस्ड ऑन आपको ये यस और नो का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद मोर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे आपको यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है जो वीडियो का वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं अभी टेम्पररली जो मैंने मेरा बाय डिफॉल्ट मैंने सेटअप किया है कि कोई भी वीडियो हो तो उसमें ये ही डिस्क्रिप्शन ऑटोमेट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आप भी वैसे ही आपको जो डिस्क्रिप्शन रखना है वो अभी रख सकते हो, या तो ये आप फिर बाद में भी इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको आपकी जो अप्रोप्रिएट कैटेगरी है वीडियो की वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड कैमरा जो बाय डिफॉल्ट है वही, और जो माइक्रोफोन भी है वो भी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलाउ चैट, अगर आपको YouTube स्ट्रीमिंग पे चैट को अलाउ रखना है तो यहाँ से आप टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हो आपके बेस्ड ऑन। और अगर आप आपकी वीडियो में पेड प्रमोशन है तो भी यहाँ से आप उसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो। ओके, तो ये अलाउ चैट आपने अगर ये वीडियो सिर्फ किड्स के लिए बनाया होगा तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ऑप्शन टर्न ऑफ रहेगा, मेक श्योर। तो आपको जब भी चैट ऑन रखनी है तो आपको वीडियो आपको जो है वो किड्स के लिए नहीं पर किड्स के लिए बनाना नहीं होगा। सिंपली इतना हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट पे एक बार क्लिक कर लो। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पूछ लेगा कि आपको जो सेटअप है वो इस तरीके से कुछ सेटिंग्स होते हैं वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये जो है यहाँ से आप रीटेक थंबनेल भी कर सकते हो, या तो फिर आप अपना कस्टम थंबनेल भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से आपको अगर करना है तो सेकंड वाला ऑप्शन पे एक बार उसको यहाँ से सिलेक्ट कर दो। मैंने ऑलरेडी इमेज बना के रखी थी तो यहाँ पे मैंने अपलोड, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इमेज अपलोड हो रही है और ये हो चुकी है अभी। ओके, तो आप यहाँ से अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट पे सिंपली एक बार क्लिक कर लो तो यहाँ से आप सब कुछ एडिट कर सकोगे। ओके, जैसे ही ये हो जाए उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे करना है डन। डन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपकी पहली YouTube की लाइव स्ट्रीमिंग की URL रेडी हो गई है। तो ये पूरा कंप्लीट स्टेप है फ्रेंड्स। अगर आपको अभी आपका मार्केटिंग करना है आज से ही, तो
यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल आपकी 5 दिन के बाद है यूट्यूब लाइव स्ट्रीम, तो आप उसको 1 वीक या 2-3 दिन पहले ही ऐसे ही स्ट्रीमिंग की यूआरएल क्रिएट करके यहाँ से आप सिंपली यहाँ से यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पर एक बार क्लिक करो और गेट शेयरेबल लिंक ले लो। तो ये लिंक आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यूआरएल का आउटपुट मिलेगा आपको। तो कुछ इस तरीके से आपको यूआरएल जनरेट हो जाएगी। मैंने टाइमिंग रखा था 11:45 AM और अभी बजे है 11:39 AM। ओके, और 17 दिसंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टाइमिंग की 5:54। ये जिस तरीके से होता है टाइम लैप्स, तो उसके हिसाब से टाइम भी कम होता जाएगा। और आप देख सकते हो कि शेड्यूल फॉर ये पर्टिकुलर डेट एंड जो हमने जो कोई भी सेटअप किया था वो यहाँ पर है। ओके, तो इसी तरीके से आप भी अपनी लाइव स्ट्रीम की यूआरएल को बना सकते हो। और मैं अगला वीडियो बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप ये लाइव स्ट्रीमिंग को यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग को OBS स्टूडियो के साथ किस तरीके से आप लाइव स्ट्रीम अच्छे से कर सकते हो। ओके, होप्स आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो अभी ही आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का नोटिफिकेशन प्रेस करना भूलना मत, और कमेंट जरूर करना, और आप भी ये वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।